नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उसी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर लोग बैठे हैं। उनका कहना है कि पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में दिया गया 15 जिला, उस जिला में शासन प्रशासन नियंत्रण जो दिया गया है उसका लाभ नहीं मिलने के कारण आज धरना पर बैठे हैं। आइए सुनते हैं। हम लोगों की कोई नई मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में हम आदिवासियों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उस तहत हम लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठ गए हैं। हम लोगों की मांग पांचवी अनुसूची क्षेत्र में जो 15 जिला हमें दी गई है उस जिला में हम आदिवासियों के लिए शासन प्रशासन और नियंत्रण जो हमें दी गए है जो आज तक नहीं दी जा रही है उस तहत हम लोग अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। आदिवासी तो अगर कहा जाए तो हमारे MP MLA से लेकर सभी बड़े बड़े उच्चस्थ पद पर हैं, लेकिन वो पद पाने के बाद सभी दिक्कतों के लिए कार्य कर रहे हैं, हम आदिवासियों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर के तो पहली बार धरना में बैठ रहे हैं, हालांकि बहुत सारी मांगे हैं। धरना हम लोग यहाँ भी आते हैं, पूरावधी भी आते हैं, बहुत सारे कुछ होते हैं, लेकिन ये जो अभी का जो है ये अनिश्चितकालीन धरना है, चलता रहेगा जब तक हमारी बातों को सरकार को और हमारे गवर्नर साहब को सुनाई ना दे जाए और कुछ जवाब ना दे तब तक हम लोग बैठेंगे। पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में झारखंड में जो 13 जिला है ये पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में आता है और 3 जो है वो आंशिक है, 13 कम्प्लीटली पांचवें अनुसूची में आता है। तो यहाँ हमारा स्वयं शासन का क्षेत्र है, मतलब यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी इनका स्वयं शासन का क्षेत्र है। जब तक ये लागू ना हो, सरकार यहाँ शासन असंवैधानिक तरीके से कर रही है, वो अपना असंवैधानिक तरीके से शासन करना बंद नहीं करती है, तब तक हम लोग बैठेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।